छात्रों, भारत को आजादी ऐसे ही नहीं मिली। अंग्रेज उनके ऊपर शासन कर रहे थे, अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। भारत के लोग गुलाम बनकर जी रहे थे और उनको आजादी में लाने के लिए, उनको स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत से सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाई और उन्होंने अपनी जान दे भी दी। तो इसमें बहुत सारे सेनानी आते हैं, उसमें सुभाष चंद्र बोस भी आते हैं। सुभाष चंद्र जी ने अपने कार्य से लोगों में इतनी भावना प्रेरित की कि देखो, देशप्रेम की भावना सभी लोगों के मन में उन्होंने प्रेरित की। उन्होंने देशप्रेम की भावना सारे जनता में जगा दी। आज हम जो कविता सीखने वाले हैं उसमें भी लोगों को किस तरह से देशभक्ति के लिए प्रेरित किया है, इस कविता के द्वारा हम जानने वाले हैं। तो इस कविता का नाम है खूनी हस्ताक्षर। कविता का नाम है खूनी हस्ताक्षर और इसके कवि हैं गोपाल प्रसाद व्यास। देखो, गोपाल प्रसाद व्यास जी ने यह कविता लिखी है और इसमें सुभाष चंद्र बोस किस तरह से लोगों को देश प्रेम की भावना उनके मन में जगाते हैं, इसके बारे में वर्णन इस कविता में किया है। तो चलो देखते हैं यह कविता। पाठ क्रमांक 7, खूनी हस्ताक्षर। भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए देशभक्तों ने अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे ही देशभक्त थे। उन्होंने अनेक देशभक्तों को एकजुट कर अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिला दी थी। इस कविता में उनके राष्ट्रीय भाव की एक वानगी देखिए। भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने सभी देशभक्तों को एकजुट किया, इकट्ठा किया और अपने देश को स्वतंत्रता दिलाई, उस संघर्ष को आगे चलाया। देखते हैं उनकी एक वानगी इस कविता के द्वारा। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। देखो, इस चार पंक्तियों में सुभाष चंद्र जी इस भाषण में क्या कहते हो देखिए। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी। खून का मतलब क्या है देखिए, खून का मतलब है खून। तो अपने खून की कीमत लोगों ने पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बर्मा यानी म्यांमार, यह म्यांमार जो है, उस म्यांमार में सुभाष चंद्र जी ने सभी से एक वचन मांगा था, सभी को कुर्बानी देने के लिए कहा था। कुर्बानी का मतलब क्या है, बलिदान। स्वतंत्रता अगर चाहिए तो ऐसे ही नहीं मिलने वाली है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने जान देना होगा, अपनी जान जो है वो देनी होगी, देश के लिए कुर्बान होना होगा, देश के लिए कुछ तो बलिदान करना होगा। तो इसीलिए वो सबकी कुर्बानी मांग रहे थे और इसीलिए सभी को उनकी बातों से पता चला कि अपने खून की कीमत क्या है। सही सही अपने खून की कीमत उन्होंने पहचान ली थी उस लोगों ने जो सुभाष चंद्र जी को सुन रहे थे। बोले, स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। देखिए, मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो अपने मौज में रहता, अपना जीवन व्यतीत करता है, ऐसे ही व्यतीत करता है, तो ऐसे में क्या होता है, वो अपने देश के लिए कुछ भी नहीं करता और उसका जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाता है। तो सुभाष जी बोल रहे हैं कि स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। अगर आपको स्वतंत्रता चाहिए तो आपको क्या करना होगा, बलिदान देना होगा, अपने प्राणों का बलिदान देना होगा, और तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। तुम्हें क्या करना होगा, अभी आगे आपको मरना होगा। अगर स्वतंत्रता चाहिए तो अपने प्राणों का बलिदान भी करना आना चाहिए, ऐसी बात लोगों के सामने सुभाष जी ने रखी। बोले, स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दम की उनकी रक्ती गाया। देखिए, वो बोल रहे हैं कि आपको कुर्बानी देनी होगी, आप बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। लोगों को मरने के लिए भी कह रहे हैं, किस लिए,
कि आपको स्वतंत्रता चाहिए इसलिए। पर देखिए इतना कहते कहते वो खुद भी दुखी है, अंदर से दुखी है, उनका मन भी दुखी है। और यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया। देखो उनकी आंखों में क्रोध झलक रहा है अंग्रेजों के प्रति। अंग्रेज क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं, देश हमारा होकर भी हमें गुलामी में जीना पड़ रहा है। इसीलिए उनके खिलाफ इनका क्रोध नजर आ रहा है उनकी आंखों के जरिए। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दम की उनकी रक्ति निकाया। रक्त वर्ण का मतलब देखिए, रक्त वर्ण यानी लाल रंग, रक्त वर्ण का मतलब है लाल रंग। तो मुख रक्त वर्ण ही हो दमक उठा, दम की उनकी रक्ति निकाया। देखो रक्ति का मतलब है लालिमा लिए हुए, लालिमा लिए हुए। उनका जो पूरा शरीर है वो लाल रंग की तरह दिखने लगा है, बहुत ही क्रोधित। और ऐसे बताने में उनको इतना आनंद नहीं आ रहा है कि आपको देश के लिए मरना होगा, बलिदान करना होगा। उनको भी दुख है कहीं पर कि हमारे लोगों की जान जाने वाली है। स्वतंत्रता अगर हमें चाहिए तो हमें अपने प्राणों की आहुति देनी होगी, इसमें लोगों की जान जाने वाली है, इसका पता उनको है, इसलिए वो प्राण मांग रहे हैं। पर इसके बदले वो क्या देने वाले हैं, आज़ादी लोगों को देने वाले हैं। जो आगे आने वाले जो लोग हैं उनको आज़ादी मिलने वाली है, इसके लिए बलिदान वो मांग रहे हैं। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दम की उनकी रक्ति निकाया। अजानु बाहू ऊंची करके वे बोले, रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। देखिए अजानु बाहू यानी क्या, घुटनों तक लंबे भुजाएं, उनके जो हाथ है लंबे, घुटनों तक लंबे उनके जो हाथ है वो ऊपर करके उन्होंने बोला कि रक्त मुझे देना, रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। उनका एक वाक्य आपको पता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह उनका एक वाक्य है। और यहीं पर उसका अर्थ है, यही यह शब्द नजर आ रहे हैं। देखिए आजाद बाहू ऊंची करके वे बोले, रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। देखिए लोगों का रक्त लेकर लोगों को कह रहे हैं कि तुम मुझे रक्त दो, तुम मुझे खून दो, और इसके बदले में आजादी तुम मुझसे लेना। इसके बदले में सुभाष जी क्या देने वाले हैं, भारत की आजादी देने वाले हैं। जो लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, सुभाष जी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, उस स्वतंत्रता के लिए सभी लोगों को इकट्ठा करके और लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे रक्त दो इसके बदले में मुझसे आजादी लो, ऐसे वो कह रहे हैं। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। देखिए यहाँ पर रण शब्द है, रण का मतलब है युद्ध, रण यानी युद्ध। तो देखिए इस युद्ध में जाने के लिए लोग तैयार भी हो गए हैं। अब सुभाष जी की बातें सुन रहे हैं लोग और वो बोल रहे हैं, हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे। क्या देने वाले हैं, खून देने वाले हैं। लोग क्या दे रहे हैं, अभी खून दे रहे हैं, किसके कहने पर, सुभाष जी के कहने पर। तो शब्द बस यही सुनाई देते थे, कौन से शब्द सुनाई दे रहे थे कि हम देंगे देंगे खून, यही शब्द उस सभा में सुनाई दे रहे थे। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। उस युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए हर एक युवक खड़ा है वहां पर, हर एक युवक वहां पर खड़ा है, इसलिए रण में उतरने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए सब तैयार दिखाई दे रहे हैं। बोले सुभाष, सब देखो सब के सब तैयार होकर आगे आगे आ रहे हैं। तभी सुभाष क्या बोले हो, देखिए बोले सुभाष, इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है, बोले सुभाष इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है, लो यह कागज है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। देखिए सरता का मतलब है हर होना, सरता का मतलब क्या है, हर होना। तो इस तरह नहीं, सुभाष जी बोले कि आपको क्या करना है, अभी इस रण में उतरना है,
और हमने तो उनके खिलाफ आपको लड़ना है। कौन कौन तैयार है? तो सभी बोले कि हम खून बहाने के लिए तैयार हैं, हम अपना रक्त देने के लिए तैयार हैं, इस युद्ध में उतरने के लिए हम तैयार हैं। ऐसे बातें सुनकर सुभाष जी बोले कि इस तरह नहीं, ऐसे आप जो बातें कर रहे हैं इस तरह मुझे नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि बातों से मतलब सरता है। देखिए, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है, कार्य होना चाहिए। इसलिए देखिए, सबूत के तौर पर कुछ तो सबूत हमारे पास होना चाहिए। इसलिए सुभाष जी ने एक कागज उनके सामने रखा है। लो, यह कागज है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है? यहाँ इस कागज पर कौन आकर हस्ताक्षर करता है? हस्ताक्षर का मतलब क्या है? स्वाक्षर। सही। तो यहाँ जो जो इस रण में उतरने वाला है, जो जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला है, वो यहाँ आकर हस्ताक्षर करे। ऐसे बात सुभाष जी ने उन लोगों के सामने रखी। और देखिए आगे क्या होता है। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं, माता के चरणों में यह लोग हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। देखिए हुंकार का मतलब क्या है? हुंकार का मतलब ललकार, गर्जना। हुंकार यानी ललकार, गर्जना। देखिए सारी जनता हुंकार उठी, सुभाष चंद्र बोस के सामने जो जनता थी वो हुंकार उठी, उनकी ललकार क्या थी? देखिए, हम आते हैं, हम आते हैं, ऐसी उनकी गर्जना सारे आसमान में गूंजी। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं, माता के चरणों में यह लोग हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। अब माता कौन? भारत माता। भारत माता के चरणों में यह लोग हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। वहां उपस्थित युवक यह बोलने लगा कि हम आते हैं, हम आते हैं, रक्त चढ़ाने के लिए हम आते हैं, हम रक्त बहाने के लिए तैयार हैं, इस कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए हम तैयार हैं। ऐसे युवक तैयार दिखाई दे रहा था। साहस से बढ़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारियों से अपना रक्त गिराते थे। साहस का मतलब देखिए, साहस यानी हिम्मत, साहस का मतलब है हिम्मत। तो यहाँ पर देखिए साहस, साहस से बढ़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही जाते थे। सभी को स्वतंत्रता चाहिए थी और सुभाष जी उनका नेतृत्व कर रहे थे और उनका साथ ये सभी युवक दे रहे थे। तभी युवक बोले कि हम इस रण में उतरने के लिए तैयार हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही जाते थे, आगे आगे बढ़ते ही जा रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे। हमें स्वाक्षरी करनी है, इस कागज पर हमें हस्ताक्षर करना है, इसके लिए एक एक करके सब आगे आगे बढ़ते ही जा रहे थे। इतना उनमें देशभक्ति का जो भावना है, देशभक्ति की जो भावना है उनमें जागृत हो गई थी। और देखिए इसके लिए वो क्या कर रहे थे? चाकू छुरी कटारियों से अपना रक्त गिराते थे। स्वाक्षरी करने के लिए आगे आगे आ रहे थे और चाकू छुरी कटारियों से वो अपना रक्त गिरा रहे थे कि हम देंगे, हम देंगे, भारत माता के लिए हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। ऐसी भावना उनके मन में जागृत हो गई और चाकू छुरी कटारियों से वो अपना रक्त गिरा रहे हैं। और आगे देखिए उस रक्त से क्या करते हैं वो देखिए। फिर उसी रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबोते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। देखिए कलम यानी लिखने का साधन। फिर उसी रक्त की स्याही में चाकू छुरी कटारियों से जो रक्त उन्होंने नीचे गिराया है, उसी रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबोते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। देखिए परवाना यानी क्या? परवाना यानी आज्ञापत्र, आज्ञापत्र। परवाना यानी क्या? आज्ञापत्र या पत्र। तो देखिए फिर उसी रक्त की स्याही में कौन सा रक्त? जो उन्होंने चाकू छुरी कटारियों से रक्त गिराया है वहां पर सभा में, उसी रक्त की स्याही में, कोई नीली स्याही नहीं लाई है उन्होंने, उन्होंने क्या लाया, उनके पास क्या है? अपना ही रक्त है। उसी रक्त की स्याही में उन्होंने कलम डुबोया है और आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। जो आजादी के लिए वहां पर कागज रखा गया है स्वाक्षरी करने के लिए, उसके ऊपर उन्होंने अपनी स्वाक्षरी
कर दी है, हस्ताक्षर कर दिया है और इसके लिए एक-एक करके सब एक-एक करके आगे आ रहे हैं। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा था रणवीरों ने मुझसे अपना इतिहास नया। देखिए रणवीर, यहाँ पर रणवीर का मतलब है योद्धा, रणवीर यानी क्या, योद्धा। तो रणवीर, रणवीर का मतलब है योद्धा। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, एक विश्वास सुभाष जी ने उन लोगों के मन में डाला था। लोग अपने भारत भूमि को गुलामी से मुक्त कराने के लिए तैयार दिखाई दे रहे थे। उनके अंदर जो गुलामी का भाव है वो बाहर निकालकर आजादी के लिए किस तरह से लड़ा जाए, इसकी भावना उनके मन में वो डाल रहे थे और उसमें वो सफल भी हो गए थे। यह पूरा विश्वास लोगों में भर गया था। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, हिंदुस्तान का यह विश्वास, हिंदुस्तान के लोगों का यह जो विश्वास है वो देखने वाला कौन था, आसमान में जो तारे थे उन्होंने देखा था। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा था रणवीरों ने खुद से अपना इतिहास नया, खुद से अपना इतिहास नया। तो देखिए रणवीर जो योद्धा है इस लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए जो योद्धा आगे आ रहे थे वो क्या कर रहे थे, अपने खून से वहां पर हस्ताक्षर कर रहे थे। उनका जो यह कार्य है वो इतिहास में आज भी अमर है, आज भी अजर अमर है, उनको कोई नहीं भुला सकता। और उन्होंने अपना ये जो इतिहास लिखा है, ये इस इतिहास को तारों ने देखा था, आसमान में जो तारे थे उन्होंने यह इतिहास देखा था। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा था रणवीरों ने उससे अपना इतिहास नया। इस कविता में सुभाष चंद्र बोस ने किस तरह से लोगों के मन में देश प्रेम की भावना जगाई है, इस कविता के द्वारा हमने देखी। सुभाष चंद्र बोस जी की एक वानगी, एक विशेषता यहाँ पर हमें दिखाई दी। तो यहाँ पर हमारी ये जो कविता है खूनी हस्ताक्षर वो पूरी हो चुकी है। अब मैं एक बार इस कविता को पढ़ता हूँ, आपको ध्यानपूर्वक उसे सुनना है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दम की उनकी रक्तिम काया। अजानु बाहू ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है, लो यह कागज है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं माता के चरणों में, यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारियों से अपना रक्त गिराते थे, फिर उसी रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबोते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा था रणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। देखिए इस कविता का वाचन आपको करना है और यहाँ पर हमारी जो खूनी हस्ताक्षर कविता है वो पूरी हो गई है। धन्यवाद।